रियासी में 9 श्रद्धालुओं के कातिल आतंकवादियों को पाताल से भी निकालकर उनका सफाया करने की मुहिम चल रही है। ड्रोन कैमरों और अत्याधुनिक हथियारों और साजो सामान से लैस सुरक्षा बलों की 10 से ज्यादा टीम रियासी के जंगलों को खंगाल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। एक बार फिर से विदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभालने दफ्तर पहुंचे एस जयशंकर ने पाकिस्तान को 2 टुक आतंकवाद का एक्सपोर्टर बता दिया है। पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that that cannot be the policy of a good neighbor. यानि एस जयशंकर ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को आतंक पर बेनकाब कर दिया, ये बता दिया कि वो ऐसा पड़ोसी है जो सीमा पार से भारत में आतंक फैलाता है और रियासी में हुई घटना इसकी सबसे ताजा मिसाल थी। भारत ने साफ कह रखा है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती और इस वजह से उसने एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में सारे पड़ोसियों को बुलाया लेकिन पाकिस्तान को इस लायक नहीं समझा। फिर भी पाकिस्तान में अपनी दुकान फिर से जमाने लगे नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर बधाई संदेश भेजा। उसमें नफरत के बजाय उम्मीद को अपनाने और 2 अरब लोगों यानी दोनों देशों की किस्मत तय करने की गुहार लगाई। लेकिन 2015 में शरीफ के जन्मदिन पर अचानक लाहौर पहुंचने वाले मोदी ने उसके कुछ ही दिनों बाद पठानकोट का हमला झेला और इस बार शपथ ग्रहण के 1 घंटे पहले रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर पाकिस्तानी आतंकियों के हमले का दर्द भी देखा है। लिहाजा इस बधाई का जवाब नसीहत भरे शब्दों में दिया और कहा कि भारत के लोग हमेशा शांति, सुरक्षा और प्रगतिशील विचारों को महत्व देते हैं। रियासी हमले की ओर इशारा करते हुए उन्होंने लिखा, अपने लोगों की खुशहाली और सुरक्षा हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता रहेगी। भारत अच्छी तरह जानता है कि नवाज शरीफ और उनकी सरकार पाकिस्तानी फौज की कठपुतली है। ये बात कारगिल के दौरान भी साबित हो चुकी थी। इस बार भी पाकिस्तान फौज के इशारे पर ही रियासी में हमला हुआ। ऐसे में नवाज की बधाई का औपचारिकता के सिवाय कोई मायने नहीं है। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।